सीआरपीएफ पीपल आस फॉर एयरक्राफ्ट, बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। 40 वैल्यूएबल जवान सैक्रिफाइस सिर्फ हमारी गलती से हुआ, तो उनका किस पे चुप है क्या? प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं, ही इज वेरी इनफॉर्म्ड पर्सन। इट वाज अ ग्रेट ग्रेट ट्रेजेडी इन द लाइफ ऑफ नेशन। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक सीनियर पॉलिटिशियन सत्यपाल मलिक ने कुछ बड़े ही सेंसेशनल बयान दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी और पुलवामा अटैक को लेकर। सत्यपाल मलिक, जो कि एक काफी जाना माना नाम है भारत के सियासती गलियारों में, उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत सन 1974 में करी थी। 1974 से 77 के बीच में वो यूपी से एमएलए बने, फिर वो दो बारी राज्यसभा एमपी बने और एक बारी लोकसभा एमपी अलीगढ़ सीट से बने। सन 2017 में ये बिहार के राज्यपाल बने और फिर सन 2018 में ये जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल बने। अब आमतौर पर अगर इतना बड़ा पॉलिटिशियन इतने सेंसिटिव मसलों पे कोई बयान जारी करता है तो हमारी मेन लाइन मीडिया उसे 24/7 चलाती है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के मीडिया हाउसेस ने इनके सारे स्टेटमेंट्स को गायब कर दिया और किसी ने इसके बारे में बात तक नहीं करी। लेकिन हम यहां पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है और हमारे जवानों की जीवन का है। तो आइए हम इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे प्रकरण की शुरुआत होती है सत्यपाल मलिक के एक YouTube इंटरव्यू से, जो उन्होंने प्रशांत टंडन को दिया। उसके बाद उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर को एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद रवीश कुमार को दिया। इन तीनों ही इंटरेक्शन में जो तीन एलिगेशंस स्टैंड आउट होते हैं, उनमें इसमें पहला है, सन 2019 में पुलवामा अटैक पे सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान के साथ साथ भारत सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार के नेग्लिजेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब इस टॉपिक को लेके वो प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए चीफ अजीत डोवाल के पास गए तो उन्होंने उन्हें चुप रहने की हिदायत दी। दूसरा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ही इल इन्फॉर्म्ड पर्सन बोला है, जिन्हें कश्मीर के एक्चुअल इश्यूज के बारे में कोई जानकारी नहीं। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो करप्शन के इर्द गिर्द है, और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत ज्यादा नफरत नहीं। तो आइए इन चीज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सन 2014 वही साल था जिस साल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार केंद्र में स्थापित करी। ये वही सरकार थी जिसके मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 को हटाने को लेके बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया, और इसी साल के अगले पड़ाव दिसंबर 2014 में जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेवल के इलेक्शंस थे। अब अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करें तो जम्मू एंड कश्मीर में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पहली पीडीपी, विच इज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और इनके चेहरे मुफ्ती मोहम्मद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती थे, और दूसरी पार्टी विच इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनके चेहरे फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ओमार अब्दुल्ला थे। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस भी कम्पीट कर रही। अगर हम इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से चलें तो साल 2014 में रिकॉर्ड लेवल पर वोटिंग कास्ट किए गए, लगभग 65% पूरी आबादी का वोट पड़ा, जो कि इक्विवेलेंट था सेंटर लेवल ऑफ वोटिंग से। बट इस इलेक्शन के रिजल्ट में हमें एक हंग असेंबली देखने को मिलती है, और इसके फलस्वरूप गवर्नर्स रूल इम्पोज किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर। फिर काफी बातचीत के बाद दो पार्टीज कोलिशन के लिए अपना नाम सामने करती हैं, जो कि बीजेपी और पीडीपी थी। अब ये अलायंस खुद में ही बहुत अजीब था, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर इन पार्टीज का तालमेल और विचारधाराएं काफी अलग। बट फिर कोलिशन के लिए इन दोनों पार्टीज ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसे नाम दिया गया एजेंडा ऑफ अलायंस, जिसमें काफी सारे कॉमन ग्राउंड्स के पॉइंट को लिस्ट किया गया, जैसे कि डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया था जहां पे दोनों पार्टीज कॉमन ग्राउंड होल्ड करती थी। दूसरा अक्सा को लेके था, जो कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो इस कोलिशन में मुफ्ती मोहम्मद सईद को जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन जनवरी सन 2016 में उनकी डेथ हो जाती है और एक बारी फिर से जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को गवर्नर्स रूल को देखना पड़ता है। फिर 3 महीने बातचीत का दौर चलता है और अप्रैल 2016 में महबूबा मुफ्ती जम्मू एंड कश्मीर की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर उभर के सामने आती। फिर 2 साल बाद सन 2018 में मजबूरन महबूबा मुफ्ती को रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी अपना सपोर्ट ले लेती है और एक बार फिर से गवर्नर्स रूल इम्पोज किया जाता है। लेकिन अगस्त 2018 में हमारे मेन कैरेक्टर
सत्यपाल मलिक की एंट्री होती है, जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर का अगला राज्यपाल बनाया जाता है। फिर नवंबर 2018 में महबूबा मुफ्ती ट्वीट करके कहती हैं उन्हें 56 एमएलए का सपोर्ट है और वो पार्टी बनाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ से सज्जाद पीपल कॉन्फ्रेंस से कहते हैं कि उन्हें भी एमएलए का सपोर्ट है और वो ये दावा करते हैं कि उन्हें बीजेपी का भी सपोर्ट है। इस सिचुएशन में जहां पर कौन सरकार बनाएगा ये साफ नहीं था, इसी बीच सत्यपाल मलिक का एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन आता है जिसके अंदर वो असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं। इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और इसके रिप्लाई में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि सोशल मीडिया पे सरकारें नहीं बनती। लेकिन scroll.in में पब्लिश्ड एक आर्टिकल ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित किया था उस टाइम। Who ended up dissolving an assembly which was viable and which could have formed a majority government? That is not only unconstitutional, it's the worst mistake a governor can make, and yet you did it. फारूक महबूबा एक हफ्ते से रोज मुझे कह रहे थे कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दो क्योंकि हमारे एमएलए तोड़े जा रहे हैं। दिसंबर 2018 में गवर्नर्स रूल खत्म हो जाता है और फिर जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है जो कि एग्जैक्टली 22 सालों बाद लगा। और इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अब कश्मीर की कमान सेंटर के हाथों में। और इसके ठीक दो महीने बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला होता है। इसमें एक मारुति इको जिसमें लगभग 300 किलो आईडी एक्सप्लोजिव्स थे वो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय से टकरा जाती है और इसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो जाते हैं। इस अटैक के जवाब में सीआरपीएफ ने एक इंटरनल इंक्वायरी बिठाई जिसमें सिक्योरिटी लैप्सेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी गई। सोर्सेज के अकॉर्डिंग आईडी हमले के कुछ इनपुट्स थे बट डायरेक्टली इस कॉन्वॉय को लेके नहीं थे। फ्रंटलाइन अखबार ने एक साल लंबी जांच करी इस हमले को लेकर और उन्होंने ये पाया कि 11 इंटेलिजेंस इनपुट थे सरकार के पास कि कुछ बड़ा अटैक होने वाला है। गवर्नमेंट एजेंसीज मुदस्सिर अहमद खान को जानती थी जैसे मोहम्मद के टेरर कमांडर की तरह से। फिर बाद में मुदस्सिर को ही पुलवामा का मास्टरमाइंड माना गया और क्विंट ने बोला कि मुदस्सिर 4 फॉरेन मिशनरीज के साथ कोई किसी बड़े फिदाइन अटैक के प्लानिंग कर रहा था। अप्रैल 2019 में क्विंट को एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हाथ लगता है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के सीआईडी के एक ऑफिसर ने अपने सीनियर्स को लेटर लिख के ये बताया था कि 3 फॉरेनर टेररिस्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं अवंतीपुरा में। इसके बाद एक हाई अलर्ट मैसेज भी जारी किया गया टू मिलिट्री एज वेल एज टू पुलिसमैन और उसमें हाईवे को सैनिटाइज करने की बात कही गई। प्लस उसमें यह भी बोला गया था कि आप हमले के लिए तैयार रहें। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में 78 व्हीकल्स का एक अनयूजुअली बड़ा कॉन्वॉय जिसमें लगभग 2500 सीआरपीएफ जवान सड़क के रास्ते जम्मू से श्रीनगर जा रहे, क्या ये डिसीजन सही था? सत्यपाल मलिक अपने हाल ही के इंटरव्यू में करण थापर को बताते हैं कि इतना लंबा कॉन्वॉय जनरली रोड से ट्रैवल नहीं करता और इसी बात के लिए सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से 5 एयरक्राफ्ट की डिमांड करी थी जिसे होम मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं करी। और फिर ये बताते हैं कि हाईवे रूट को ठीक से सैनिटाइज करना था जो नहीं किया गया। फिर इस रोड पे लगभग 8 से 10 लिंक रोड हैं जिन पे पुलिस की गाड़ियां या सिक्योरिटी होनी चाहिए थी ट्रैफिक के इनफ्लो को कंट्रोल करने के लिए और वो भी वो भी लिंक रोड थे, वो अनमैन्ड ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट लिंक रोड थे अराउंड 8-10 8-9 लिंक रोड वो अनमैन्ड। फिर सत्यपाल मलिक बताते हैं कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये बोला कि अगर हम 5 एयरक्राफ्ट दे देते तो ये आपदा ये हमला नहीं होता। ओनली टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। और उन्हें वैसा ही रिस्पांस एनएसए चीफ अजीत डोवाल से भी मिला जब उन्होंने ये चीज उन्हें बताने की कोशिश। और इसके बाद सत्यपाल बहुत ही शॉकिंग चीज कहते हैं, मैं उनके वर्ड्स को कोट करता हूँ, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि मुझे ये लग गया था कि ये सारा ओनस अब पाकिस्तान की तरफ लाना है और इसलिए अब आप चुप रही है। इस पर करण थापर पूछते हैं कि ये सरकार की चालू पॉलिसी थी जिसके अंडर सरकार ये इल्जाम पाकिस्तान पे लगाकर खुद क्रेडिट लेना चाहती थी और अपने पॉलिटिकल कैंपेन को सपोर्ट करना चाहती थी। सत्यपाल मलिक इस चीज से मुखातिब थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। फिर सत्यपाल कहते हैं कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट रही होगी क्योंकि इतने ज्यादा अमाउंट में एक्सप्लोजिव
इंडिया में इंटरनली सोर्स नहीं किया जा सकता। फिर वो कहते हैं कि इसमें हमारी भी चूक थी कि बारूद से भरी गाड़ी 10 से 12 दिन जम्मू एंड कश्मीर में घूमती रहती है और हम उसे लोकेट नहीं कर पाते। सत्यपाल का ये भी कहना था कि होम मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह थे उस समय पर, कि इनकॉम्पिटेंस की वजह से 40 जवानों की जान गई। लेकिन फिर भारत सरकार ने आनंद फानन में इस हमले के जवाब में ठीक 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, जिसमें भारत के एयरफोर्स के पायलट्स पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर कुछ टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा देते हैं। लेकिन इसके बाद एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है जब इस पुलवामा हमले को सियासी एंगल दिया जाता। लगभग 8 अप्रैल के आसपास प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने कैंपेन में क्या बोला है ये देखा। आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बहुत लोगों ने इस भाषण पे इश्यू भी उठाए, लेकिन हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं और 2019 में एक बारी फिर से बीजेपी की सरकार वापस से सेंटर में बन जाती। इसके बाद जुलाई 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है और इसके अगले ही महीने 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया जाता है। 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसके तुरंत बाद ही सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती को भी हाउस अरेस्ट किया जाता है। अगले 4-5 दिनों तक श्रीनगर में सेक्शन 144 और अगले 18 महीनों तक हाई स्पीड इंटरनेट को डिसेबल कर दिया जाता है। इसके रिस्पांस में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट पाकिस्तान हमारे खिलाफ यूज कर सकता था, इसलिए डिसेबल किया गया। करण थापर इसके रिस्पांस में ये कहते हैं, पाकिस्तान के पीछे आपने कश्मीर को हिंदुस्तान से कट ऑफ कर दिया। लेकिन आर्टिकल 370 पर आए तो सत्यपाल मलिक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे। 5 अगस्त 2019 के 2 दिन पहले, मतलब कि 3 अगस्त 2019 को ANI के साथ इंटरव्यू में ये बोला कि अभी आर्टिकल 370 हटाने की कोई बात नहीं। इतना बड़ा फैसला हो रहा था, राज्यपाल को न तो 2 दिन पहले पता था न 2 महीना पहले पता था, और राष्ट्रपति का आदेश कहता है कि राज्यपाल की मंजूरी ले ली गई है। अब सत्यपाल मलिक का संवैधानिक नैतिक बोध ही बता सकता है कि क्या वे सही बोल रहे थे। पैनल की अगर माने तो सत्यपाल मलिक को 370 हटाने की जानकारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक रात पहले होम मिनिस्टर का फोन आया था कि आपको एक लेटर भेज रहा हूँ, इसे पास कराइए कमेटी से 11 बजे से पहले। इससे ये साबित होता है कि मलिक 370 हटाने के फेवर में थे, और आज से 3 साल पहले इन्होंने वीपी गंगा को इंटरव्यू देते वक्त ये कहा भी था कि आर्टिकल 370 हटने की वजह से हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और जॉब क्रिएशन हो। अब हम रुक करते हैं सत्यपाल मलिक के दूसरे आरोप के ऊपर, जिसपे उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इल इन्फॉर्म्ड पर्सन कहा था। इन मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई ill informed अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इन्फॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे, जो हमारी तिकड़ा में है, इनसे हमारे बारे में यकीन पैदा नहीं। इसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को कश्मीर के बारे में कोई जानकारी नहीं और उन्हें तो एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। इसके बाद एक बड़ा खुलासा किया सत्यपाल मलिक ने करप्शन को लेकर। मलिक ने यह दावा किया था कि 23 अगस्त 2018 और 30 अक्टूबर 2019 के बीच में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। इसके बाद करण थापर ने पीएम मोदी का इन्वॉल्वमेंट पूछा तो सत्यपाल मलिक ने ये कहा, नो ही वॉज नॉट इन्वॉल्व, बट मैं आपको बता सकता, लगता है ना, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत। और अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए वो एक और एग्जांपल बताते हैं। जब सत्यपाल मलिक गवर्नर थे गोवा में, तो उन्होंने एक दिन प्राइम मिनिस्टर को फोन किया कंप्लेन करने के लिए करप्शन के बारे में। तीसरे दिन प्रधानमंत्री का फोन उन्हें आता है और वो सत्यपाल से कहते हैं कि आपकी जानकारी गलत है। इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही सत्यपाल मलिक को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है।
ऐसे वो और कई सारे एग्जाम्पल्स गिनाते हैं स्कैम के, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी से कंप्लेन करी और कोई एक्शन नहीं लिया गया। सत्यपाल मलिक के हिसाब से गवर्नर चूज करने के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से बहुत सारे थर्ड क्लास लोग आज की डेट में गवर्नर बन के बैठे हैं। तो अगर हम इनकी बात माने तो आरोप यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं, और इन सब के जवाब में पीएम मोदी का रिस्पॉन्स था साइलेंस। पीएम मोदी का कोई जवाब नहीं आया। हालांकि बीजेपी का रिस्पॉन्स आया। जम्मू एंड कश्मीर के बीजेपी स्पोक पर्सन कहते हैं कि सत्यपाल मलिक की उम्र हो चुकी है और उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत, फिर 22 अप्रैल को उन्हें कोर्ट अरेस्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो कहते हैं कि उन्हें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वो सच के साथ खड़े हैं। सेंटर की सारी एजेंसीज अगर उनके भी करें तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी राय क्या कहती है ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल नहीं है, ये मामला सत्यपाल मलिक वर्सेस मोदी भी है, ये मामला हमारे नेशनल सिक्योरिटी का है। और अगर आपको कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां का माहौल जानना हो, या कश्मीर कितना सेफ है टूरिस्ट के लिए अगर वो जानना हो, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने कश्मीर का ट्रैवल ब्लॉग कैप्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फोन करके कहा, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है, आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे